अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 20 लीटर दूध की खीर बना रहा हूँ, तो मैं साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ इंशाल्लाह। जी दूध को हम उबाला आने तक पकाएंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे इसके अंदर चावल पीसे हुए और खीर मिक्स का एक डब्बा तकरीबन 1 किलोग्राम हमारे चावल हैं और 1 डब्बा खीर का, ये हमने मिक्स कर लिए हैं। पीस के उबाल आने के बाद इंशाल्लाह इसको शामिल करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह दूध को उबाला आ गया है, अभी हम इसके अंदर शामिल करते हैं जो मैंने चावल आपको दिखाए थे और मिक्स खीर, थोड़ा सा हमने पिस्ता भी शामिल किया इसके अंदर। ये थोड़ा थोड़ा डालना है इसके अंदर और साथ में हिलाते जाना है क्योंकि ये नीचे बहुत जल्द लगता है। आपको अभी मैंने मध्यम कर दिया है, ये डालने के बाद दोबारा तेज कर लूंगा। जी आस्ता आस्ता हमने सारा मटेरियल डाल दिया है। चावल जो है उनकी मिकदार जो है वो 1 लीटर दूध के हिसाब से 50 ग्राम हम डालते हैं इसके अंदर और इंशाल्लाह अभी हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। इंशाल्लाह जब गाढ़ी होगी तो खीर हमारी तैयार है। तकरीबन 1 घंटा हो गया हम इसको पकाते हुए, ये देख सकते हैं आप चावल भी गलना शुरू हो गए हैं और ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना भी शुरू हो गई है, तो अभी हम इसको इंशाल्लाह और पकाते जाएंगे। तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है हमें इसको पकाते हुए, माशाल्लाह गाढ़ी हो रही है अभी काफ़ी हद तक। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 किलोग्राम चीनी शामिल करता हूँ। मज़ीद हम इसको थोड़ा और पकाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा हमने इसको पकाया है और खीर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पास्ते बिल्कुल तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप। अभी हम इसको ठंडा करेंगे और फिर डिश आउट करके इसके ऊपर जो है मेवा जात इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी खीर, हमने डिश आउट कर ली है, अभी हम इसके ऊपर मेवा जार डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, इंशाल्लाह मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।